हेलो एवरीवन, वापस आ गए एक नया वीडियो लेके एक बहुत ही मस्त जगह पर आप लोग के लिए मिला। क्या होता है बेसिकली शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसे कि ह्यूमंस का एज होता है, बूढ़ा हो जाता है तो वो लोग को चलने में प्रॉब्लम होता है, यहाँ पर दर्द वहाँ पर दर्द बहुत कुछ होता है। तो ऐसे सेम चीज़ गाड़ी में भी होता है। तो क्या होता है कि गाड़ी को अच्छे से सर्विस करवाने के बाद गाड़ी थोड़ा जवान हो जाता है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच आप लोग को स्मूथ इंजन मिल जाता है और अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। तो करने का बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डबल योर इंजन लाइफ, इंप्रूव पिकअप पावर, इंप्रूव 50% माइलेज, रिड्यूसेस 72% एमिशन। तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप लोग को जानना है और आना है। एक बार ज़रूर आइए, ट्राई ज़रूर कीजिए। आप लोग को सही से बता रहे हैं, जेन्युइनली बता रहे हैं, कुछ ना कुछ आप लोग को हेल्प होगा। ये ज़्यादा चार्जेस नहीं है, एक बार आप लोग ट्राई कर सकते हैं। वो भी चलता है आप लोग 30,000 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर इजीली चल जाता है। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो गाइस ये मेरा बाइक है, आप लोग जानते हैं बाइक को बहुत बार देखे होंगे। ये 2018 में मैंने ली थी, अभी तो करीब करीब 4 साल हो चुका है, पुराना हो चुका है बाइक, पर अच्छे कंडीशन में मैं मेंटेन करके रखता हूँ। पर इंजन तो मेंटेन मैं कर नहीं सकता हूँ, तो थोड़ा बहुत धुआं वगैरह आता है, माइलेज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। मतलब पहले जब बाइक लिया था मैंने अराउंड 55 माइलेज मिलता था, अभी वो 40 माइलेज मिलता है। तो देखते हैं कितना ज़्यादा माइलेज इंप्रूव करते हैं और बाइक का पिकअप भी बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो वो भी देखेंगे कितना ज़्यादा इंप्रूव होता है। सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। गाड़ी आप लोग आके देख लीजिए, ये अराउंड 10,000 किलोमीटर चली हुई है गाड़ी। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है गाड़ी में, क्या क्या प्रोसेस होता है वो देख लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बताएंगे जरूर कि आप लोग एक बार आइए, अगर आप लोग का बाइक भी है तो आप लोग आइए, बाइक को एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिए। 100% गारंटीड है कि आप लोग को कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट मिलेगा, माइलेज इंप्रूव होगा और बहुत ज़्यादा डिफाइंड हो जाएगा इंजन। तो चलिए देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। तो सर हमारे साथ है ओनर है ऑटो डिटॉक्स का। नमस्कार सर। नमस्कार एवरीवन। और व्यूअर्स को एक मैं बता देता हूँ, ईद मुबारक सबको। सबको ईद मुबारक। तो अच्छे से एंजॉय कीजिए आप लोग और गाड़ी को आइए लेके जाइए, नया करके लेके जाइए, आप भी नया हो जाइए और गाड़ी को भी नया कर लीजिए। तो सबसे पहले आप थोड़ा अपना लोकेशन बता दीजिए। हमारा लोकेशन है श्याम बाजार फड़िया पुकुर मोर 228 APC रोड। एकदम बहुत ही प्रोमिनेंट लोकेशन है, फिर भी अगर आप लोगों को लोकेशन में कोई भी दिक्कत होता है, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, कॉन्टैक्ट कर लीजिए, पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। या फिर आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, गूगल मैप का लोकेशन है, डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ पर लेके आ जाएगा। तो आज सबसे पहले तो मैं आपका बाइक, लास्ट टाइम हमने जो वीडियो बनाया था रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया एकदम, और बहुत लोगों ने देखा और सबने बोला कि दोबारा वीडियो आप बनाओ और वीडियो बनाओ। तो आज हम आ गए हैं, आज हम एक बाइक करेंगे एक कार करेंगे, एक आपको छोटी गाड़ी दिखाएंगे बड़ी गाड़ी दिखाएंगे, छोटी गाड़ी का रिव्यू ये सर देंगे, बड़ी गाड़ी का रिव्यू जो अब जो गाड़ी वाला आएगा वो उनसे सर से रिव्यू ले लेंगे। आज हमारे पास आई एक BMW X1 डीजल BMW आई है, हर रेंज की गाड़ी आती है हमारे पास, ऑल्टो भी आती है, छोटी गाड़ी भी आती है, बड़ी गाड़ी भी आती है। बिकॉज रिव्यू लोगों को इतना अच्छा मिला है काम करके कि सब वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी हो रहा है बहुत अच्छा। अच्छा, यहाँ पर बाइक दिख रहे हैं, ऑटो दिख रहे हैं, मतलब बस लॉरी सब कुछ सब करते हैं हम लोग फ्रॉम 600 CC टू 12,000 CC की गाड़ियाँ, जेनसेट, जनरेटर्स सब कुछ करते हैं हम, डीकार्बनाइज। सर ये प्रोसेस में कितना टाइम लगता है अप्रॉक्सिमेट? बाइक में लगता है 15 मिनट्स लगेगा। कार्स में 30 to 40 मिनट्स डिपेंडिंग ऑन द कार का सीसी कितना सीसी। तो इससे पूरा एकदम बेनिफिट होता ही ना 100। हाँ जी 100। आप ही दीजिए का रिव्यू, आपसे अच्छा रिव्यू कौन देगा, वही बात। तो चलिए प्रोसेस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप, ये मशीन है मेरे सामने। हाँ जी, ये जर्मन टेक्नोलॉजी, लास्ट टाइम जैसा आपको बोला वही HHO गैस प्योर निकालती है। HHO गैस आपकी गाड़ी के इंजन में सर्कुलेट करेगा और कार्बन सब निकाल के बाहर निकाल देगा थ्रू द साइलेंसर, एंड कार्बन फ्री हो जाएगा, गाड़ी की इंजन एज गुड एज न्यू हो जाएगा, माइलेज इंक्रीज मिलेगा आपको 10 to 15% गारंटी, वाइब्रेशंस कम हो जाएंगे, पावर पिकअप बढ़ेगा। तो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं, आज आपकी बाइक चल गई है 10,000 और ये हम प्रोसेस स्टार्ट कर दिए हैं। ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। तो आप थोड़ा प्रोसेस समझा दीजिए। ये हमने प्रोसेस अभी आपका स्टार्ट किया है। ये हमारी मशीन में हाइड्रोजन गैस आ रही है, ये आपका कंटेनर, इसमें वाटर है जिससे HH गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस H2O से मिलता है तो HHO गैस बनता है। तो ये आ रही है पाइप, ये आपका बस एयर फिल्टर में हमने इंसर्ट किया है, इंजन में कुछ इंजन आपका टच नहीं किया, आप देख सकते हो ये आपका एयर फिल्टर है, ये आपका एयर फिल्टर है, ये गैस में भी टच नहीं होता है। ये गैस आपकी जा रही है गाड़ी में, ये गैस रोटेट कर रही है, हम हल्का सा रेस दे के रखते हैं ये, और आपका गैस सर्कुलेट करे और जो भी आपका कार्बन है थ्रू द साइलेंसर बाहर निकल जाता है। बहुत सही है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख चुके हैं, डीकार्बनाइजेशन हो चुका है गाड़ी का और गाड़ी लग तो रहा है कि अच्छा हुआ है। चलिए चला के देखते हैं और बताते हैं आप लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कितना ज़्यादा पिकअप इंक्रीज किया है। तो चलिए बैठ जाइए गाड़ी में, देख लेते हैं। ओके, तो गाइस गाड़ी तो चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, देख के लग रहा है कि पिकअप थोड़ा बहुत इंक्रीज किया है और जैसे कि सर बोले हैं कि थोड़ा बहुत चलाने के बाद पता चलेगा अच्छे से। हाँ ऑब्वियसली इंक्रीज तो किया है, बस अच्छा खासा इंक्रीज किया है पिकअप। और आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी कितने स्पीड से मैं टर्न, और कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है।
अच्छा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और माइलेज के बारे में जो है वो तो मैं बाद में ही बता पाऊंगा क्योंकि मेरे बाइक में तो शो नहीं करता है कितना ज़्यादा एवरेज मिल रहा है, पर वो मैं आपको शो कर दूंगा कि बता दूंगा कि कितना ज़्यादा माइलेज मिल रहा है, अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ। ऑब्वियसली होगा, वो तो लग रहा है देख के कि इतना ज़्यादा अगर इतना कम टाइम में इतना पिकअप बढ़ जाता है तो ऑब्वियसली माइलेज में तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। हमारे सामने एक BMW है और उनके ओनर हमारे साथ है, तो सर सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए थोड़ा। अच्छा मेरा नाम अशोक है। अच्छा? पहले भी मैंने सर्विसेज अवेल की हुई है। हाँ। कौन सा गाड़ी मैं एक्चुअली मेरे पास इनोवा है। अच्छा, तो उसका माइलेज और परफॉर्मेंस का कुछ इश्यू हो रहा था तो आई केम अक्रॉस दिस टेक्नोलॉजी, तो मैंने ट्राई किया था पहले। अच्छा, एंड आई वॉज क्वाइट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस। इनोवा का माइलेज भी बढ़ा था। अच्छा। पहले काफ़ी काला धुआं निकल रहा था, वो ऑलमोस्ट बंद हो गया था, 99% काला धुआं ना बंद हो गया था। एंड बेस्ट थिंग इज कि परफॉर्मेंस में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, वाइब्रेशंस काफ़ी हद तक कम हो गए थे। अच्छा। तो उसी के फीडबैक को मद्देनजर रखते हुए आई थॉट कि आई विल गेट माई BMW ऑल्सो डन। ये मेरा दूसरा गाड़ी है। अच्छा। तो ये वैसे तो इसमें ब्लैक स्मोक नहीं आ रहा है अभी, बट परफॉर्मेंस में थोड़ा सा इशू आ रहा है, थोड़ा पिकअप में इशू आ रहा है। तो ये BMW का करते हैं, फिर आपसे पूछेंगे कि कैसा रिस्पांस मिलता है आपको। डेफिनेटली मैं फीडबैक दूंगा कैसा रिस्पांस मिलेगा, एंड मैं उम्मीद करूंगा कि जैसा इनोवा में रिस्पांस आया था वैसा ही रिस्पांस रहे। तो स्टार्ट करते हैं ये गाड़ी में। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ये बस, आपको जैसे मैंने बोला हम इंजन टच नहीं करते, ये एयर फिल्टर ही गाड़ी में, एयर फिल्टर में ये पाइप जा रहा है और ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये गाड़ी स्टार्ट रहती है प्रोसेस में, H2 गैस रोटेट करेगा। Exactly. हमें क्या करना होता है, RPM 1.5 से 2 RPM रेस देना पड़ता है। Achha. ये जो है ये आइडल कंडीशन में 1 के नीचे रहती है। Achha. बट हमें फिर रेस देना पड़ता है ताकि गैस रोटेट करे। इसको 1.5 से 2 के बीच में हम लोग रखते हैं स्टेबल फॉर 1 मिनट, एंड देन छोड़ते हैं एंड देन वापस दबाते हैं। तो ये प्रोसेस चलते रहती है, 40 मिनट्स का ये प्रोसेस है जिसमें रोटेट करेगी, जितना भी कार्बन है बैक पीछे साइलेंसर से निकल जाता है। ये हम लोग एक जर्मन टेक्नोलॉजी की ये आती है इंजेक्टर क्लीनर, मैक्सिमाइजर बोलते हैं, ये बूस्टिंग करता है क्लीनिंग। okay. ये पेट्रोल टैंक में जाती है 60 ml टू 30 ml डिपेंडिंग कितनी गाड़ी चली है। ये डीकार्बनाइजेशन प्रोसेस हो चुका है, अब हम एक सर को बोलेंगे एक टेस्ट ड्राइव दें और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें इमीडिएटली। तो डीकार्बनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग टेस्ट राइड में हैं, तो सर हम लोग को रिव्यू बताएंगे कैसा लग रहा है सर को चलाने के बाद। स्टार्ट अभी डीकार्बनाइजेशन के बाद मैंने जस्ट स्टार्ट किया है गाड़ी को। एग्जैक्टली, एंड लेट अस सी वी आर हिटिंग द रोड नाउ। पिकअप में डेफिनेटली बहुत इफेक्ट आया है, आई कैन फील दैट गाड़ी थोड़ा लाइट हो गया है। डीजल कार चला रहे हो ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा है, वो पेट्रोल का फीलिंग आ रहा है जिस हिसाब से पिकअप हो रहा है। तो डेफिनेटली इट फील्स लाइट, बहुत अच्छा लगा। एग्जैक्टली, और पिकअप बहुत इम्प्रूव हुआ है। जब मैंने यहाँ पे गाड़ी लेके आया था उस समय आई कुड फील कि थोड़ा लैग हो रहा है गाड़ी, आप एक्सीलरेटर दे रहे हो तो भी गाड़ी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। एग्जैक्टली, तो वो इशू काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गया है, आई कैन फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ओवरटेकिंग अदर व्हीकल्स नाउ। तभी मुझे काफी अच्छा इफेक्ट आया था एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। तो ये तो मैं सेकंड टाइम करा रहा हूँ, तो आई 100% रिकमेंड एवरीवन जो भी ये वीडियो देख रहा है, आई रिकमेंड कि वो अपनी गाड़ी पे ट्राई करे इसे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, लाइक कीजिए। ये मेरा रिकमेंडेशन है, एक बार आप लोग आइए गाड़ी को एक बार जरूर से जरूर डिकार्बोनाइज करवाइए, अच्छा खासा आप लोगों को रिस्पांस मिलेगा, अच्छा खासा आप लोगों को इंप्रूवमेंट मिलेगा। और अभी मैं बाइक भी चलाऊंगा, बाइक चला के आप लोगों को रिव्यूज़ ऑलरेडी आप लोगों को मिल चुका है कैसा है कैसा नहीं है। बहुत ही शानदार चल रहा है बाइक, ये आप लोग ऑलरेडी देख सकते हो। और माइलेज कितना इंप्रूव करता है ये बाद में मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का वीडियो ये तक खत्म करते हैं, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वो बता सकते हैं, वीडियो बुरा लग रहा है तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा और अगेन ईद मुबारक।